मेरी तरह लग रही है, जरा गौर से देखें देखें। हाँ। बालों को क्या होगी? सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम जा रहे हैं शमन बाजी के घर, उनके घर स्विमिंग पूल है और बहुत सारी चीजें वो तारीफ कर रही थी, तो हमने कहा चले हम भी देख लेते हैं। तो अभी हम सब जा रहे हैं, मैं भाई के साथ बैठी हुई हूँ। बाजी का घर है, इसे डेरा कहते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने जानवर रखे हुए हैं, इनके इतने सारे जानवर हैं। हेलो, हाय, कैसे हो? एक तो मुझे यहाँ पे, ओए नहीं मैं मारूंगी नहीं तुम्हें, इसको तो मुझसे प्यार हो गया है। इतने इतने अच्छे जानवर हैं, मतलब कुछ भी नहीं कहते, मारते भी नहीं है। अच्छा ये वाली जो है ना, ये मुझे मेरी तरह लग रही है, जरा गौर से देखें देखें। हाँ। कपड़े भी इसके मेरी तरह हैं। आपकी तरह है। और ये तो बहुत ही क्यूट है, इसमें से कोई मार नहीं रही, देखें कितनी अच्छी। वजह मैं अपनी खाला के घर गई थी, वो तो इतने मारने के लिए दौड़ रहे थे मुझे। ये मैं इसको दिल है कि मेरे कपड़े खाए बस। यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए भाई। ये मिल्क मैं ले रहा हूँ ना, उबैद के लिए लेता। वाह वाह, जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये जगह कितनी प्यारी बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। ये रहा स्विमिंग पूल, इसके अंदर चल के देखते हैं कि स्विमिंग पूल कैसा है इनका। जी कहाँ गई? मैं आ गई। आ गई। हाँ, इसको अभी फिल कर रहे हैं, इसमें पानी नहीं है और हाँ फिल करेंगे क्योंकि मैं तो दूध ही जाऊंगी। रुबीना बाजी इसको फुल फिल करेंगे तो हम दूध जाएंगे। चमन बाजी का जो फार्म, हमारी फ्रेंड में फार्म कहते हैं, इन्होंने ये कमरा बनाया हुआ, इतना प्यारा सा बना हुआ है। बैठे हुए हैं, अभी स्विमिंग पूल फिल हो जाए फिर हम लोग बाहर जाएंगे। फुल भरेगा तो फिर हम व्यू देखें कितना अच्छा है। ये बच्चों के लिए, इसमें बच्चे खेलेंगे। ये नहीं कर लिया, इसने मुझे तैरना सिखाया, मुझे तो तैरना भी नहीं आ रहा था। ये मेरे साथ बैठी हुई है, जैसे डूबती है मुझे पकड़ लेती है। इसने मेरे पैर कितने प्यारे प्यारे लग रहे। हम सब ने अभी कपड़े चेंज कर लिए, हम सब ने नहाया, बहुत मज़ा आया। और अभी जो है वो हम जा रहे हैं घर की तरफ। रुबीना बाजी आ गए, हमने कहा यहाँ इतना अच्छा जो है वो व्यू है तो आप लोगों को दिखा। ये सारी शमा बाजी के ज़मीन है, सब ये सब उन्हीं की ज़मीन है, वो अंदर घर भी उन्हीं का था। ये देखें कितना खूब पानी होता है पंजाब में, जो उधर पानी भी है, मतलब यहाँ पे पानी भी जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये पूरा। बहुत ये सारे शमन बाजी के सारे। सब खराब भी आ गया है। लेट्स गो टू होम, फिर हम लोग जाएंगे कुछ खाने बाहर, भाभी वगैरह, भाभी को भी बुलाया है, मदनी भी आएगा, तो बस अभी घर जाते हैं, बालों को कंघी करेंगे, थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे, फिर जाएंगे कुछ खाने। फाइनली मेरी हीरा भाभी भी आ गई हैं और हम सब अब जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता आ गया है, हम सब यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं।
भाभी। जा रहे हैं कराची और हमारा सारा सामान भी पैक हो गया है। ये सारा उठा के आए थे और यही सारा उठा के वापस जा रहे हैं। खाला भी आ गई है। ठीक है, उदास बहुत ज्यादा। बहुत उदास हो क्यों? आप जा रही हो ना? फिर मैं आऊंगी मिलने। बुशराबा जी चलो हम जा रहे हैं। ना जाओ, मैं क्यों ना जाऊं? अहमद, अहमद जानू, हमें जा रही हूँ। अहमद, भाभी जो है वो सुबह से आई हुई थी, अभी जा रही है, मैं इनको बहुत मिस करूंगी। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं बेड लगती हूँ हीरा के सामने, सब भी बेड लगते हैं। हाँ, हीरा का और मेरे भाई का जो कद है वो एक जितना। सिद्धू मूसे वाले का सॉन्ग बहुत वो सूट करता है, दूजे फुट दो ते मैं पांच फुट ग्यारह वे। है ना लड़की शर्मा रही है कि फिर ईद पे आ जाया करेगा। हाँ, हर ईद पे हम लोग भी आया करेंगे इंशाल्लाह। हर ईद पे मैं फिर आ जाऊंगी। फिर हम बड़ी ईद पर आएंगे, सलमान बाजी आएगी ना, हम तुम्हारे पास आएंगे। फिर जो दिसंबर है फिर उसमें हम लोग साथ लेके चलेंगे। वैसे बड़ी ईद पर हम सब आएंगे, फराज फरी, क्योंकि सलमान बाजी आएगी, उसने कहा था हम सब घूमने जाएंगे, तो हम सब आएंगे। चलो ठीक है, सही है। हम सब रेडी हो गए, नदीम भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं और ये रहे सारे। चलो भाई चलो चलो चलो। और रक्षे भी हमारे आ गए हैं। सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब पहुँचेंगे, क्या होगा। मेरा जो नदी कलर है अभी नदी वैसा का वैसा है। ये देखिए नहर कितनी अच्छी है, इसका नाम मैं वापस आऊंगा। शादी में आए हैं, गाने तो गाए सारे। ले जाऊंगा आगे क्या था, किसी को याद है? हाँ, तुम कब आओगे? हर महीने फ्रास चिट्ठी लिखेगा। दरबार थोड़ी है, स्टेशन है। ये कह रही है तो दरबार है। अब एक घंटा पहले आ गए हैं तो बस अब यहीं घूमो। यहाँ पे सारी टिकट हो रही है, नैना ने करवा ली थी ऑनलाइन, तो हम लोग सब कंफर्म कर रहे हैं, तो हो गई है हमारी टिकट शिकट। ये मेरी आप ही ने करवा के दी। आप ही कौन है? इस्लामाबाद वाले। वाह भाई वाह। हमने यहाँ से जो है वो सोडा लिया है, सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर है, शाहरुख पीक है। मामू और डार्क पिंक लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये मामू का है। जब तक ट्रेन नहीं आती तो हम यहाँ के घर देख रहे हैं कि कितने खुले खुले और कितने बड़े बड़े हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी। अभी हम लोग वहाँ गए हुए थे, ये वॉशरूम है, तो हम लोग यहाँ गए हुए थे, अभी हम लोग वापस आए हैं। ट्रेन ने हमारे यहाँ से आना है और अभी तक नहीं आई। इसका इंतजार करते करते लगता है मेरा तो दिल है मैं यहीं पे ही बैठ जाऊँ, क्या करूँ। वैसे एक मैं सोचती हूँ कि इतनी पतली सी जगह पे ट्रेन कैसे चलती है, मतलब किसने बनाई होगी। इतना दूर बैठे हुए हैं, वेरी मच दूर। यहाँ पे हम लोग ट्रेन का वेट कर करके थक गए, पता नहीं ट्रेन कब आएगी। तो मैंने अपने बाल कंघी कर लिए हैं। बाल कंघी करने के बाद मैंने कहा चलो खाला को बोलूँ मेरी ना अच्छी सी चुटिया बना दे, क्योंकि फिर पूरा रास्ते जो है ना बाल मुझे बहुत तंग करते हैं। अभी चलते हैं खाला के पास। खाला मुझे जो है मार मार के मेरी चुटिया बनाती थी, इसीलिए आज मेरे बाल इतने बड़े हैं। बहुत मारा है सिर्फ एक चुटिया बनाने के पीछे। चुटिया बना ली है, अब मेरे बाल सही रहेंगे ट्रेन में। पानी की बॉटल्स भी सारी भर ली हैं, अभी जा रहे हैं तो फिर अबू ने भी भर ली हैं, सबने भर ली अपनी पानी की बॉटल्स। ट्रेन का इंतजार है, आ जाओ आ जाओ। यार ये रात के टाइम कितना औसम लग रहा है। फाइनली ट्रेन आ गई है, फाइनली हम सब ट्रेन में समा गए हैं, जैसे कैसे करके बड़ी मुश्किलों से, लेकिन आ गए हैं। अब बस फाइनली जब कराची पहुंचेंगे तो ही पता चलेगा। अभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत मुश्किलों से,
अभी अहमद पुराने वाले हम लोग फिर उतर जाएंगे वहाँ पे, फिर दो दिन रहेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर उतर जाएंगे, हम ये तकरीबन एक महीने तक करेंगे। हम अभी सुबह का टाइम है, उठ गए हैं, मुश्किलों से सबको कैद करके रखा हुआ था। मुझे फरिया ने कैद किया है। अभी हम उठ गए हैं क्योंकि हम सबसे सोया नहीं जा रहा था, इसलिए खारा भी उठ गई है, नदीम भाई भी उठ गए हैं। बहुत महंगी चाय है, 1000 रुपए की चाय है। हमने अपने मुंह साफ किए हैं और इतनी मिट्टी निकली है, इतनी मिट्टी निकली है, ऐसा लग रहा है किसी ने ना मुंह छुपा के हमारे मुंह पर फेंका है। बटन दबिया खड़े बाल कहते हैं और इसको कॉटन कैंडी कहते हैं। और 10 रुपए भी तुम्हारे निकले हैं इसमें सब। हाँ मुझे लगा 5000 का इसलिए लिया था। 75 मेरा 500। तू शराफ का क्या कहना चाहेगा, शराफ तू क्या कहना चाहेगा, तू खाएगा ये पतीसा? खा 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 के। हम कराची में आ गए हैं फाइनली फाइनली फाइनली, और अब जा रहे हैं हम लोग अंदर, बस रक्षा करवाएंगे फिर वापसी घर। सबका ये हाल हो गया, मेरे पीछे देखें इन सबका क्या हाल है। और ये अब्बू जा रहे हैं, ये मेरा बैग है, बस हालत खराब हो गई है। सब जा रहे हैं सब, ये खाला और छोटी की दे गई, ये छोटी भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में आ गए, मौसम इतना अच्छा है। गाँव का तो मौसम इतना कोई खराब था, हम लोग वहाँ रहना ही नहीं चाह रहे थे, बहुत खराब मौसम था वहाँ का। ये सब जा रहे हैं। नदीम भाई कराची का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है। गाँव में तो बहुत गर्मी थी, जब मैं आई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी, अभी जब मैं वापस जा रही हूँ तो मैंने वीडियो बनाई थी आके। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा बहावलपुर का स्टेशन लगा है, मुझे और कोई स्टेशन पसंद नहीं आया, सिर्फ बहावलपुर का पसंद आया। इतना प्यारा मौसम हुआ है कराची का, बहुत जबरदस्त। घर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, नाश्ता बनाऊंगी, मालूम तो क्या होगी तुम्हारे। फाइनली घर पहुंच गए हैं।